हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सी डी एस के बारे में, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन तक भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर किस तरीके से परफॉर्मेंस बनाते हुए दिख रही है मार्केट में। अभी राइट नाउ बहुत ही डाउन सिचुएशन पे है और बहुत ही पूछ रहे थे सर बाई करना सही ऑप्शन रहेगा कि नहीं, पर उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए अगर बाइंग का सोच रहे हैं तो। आज के दिन अच्छी खासी गिरावट, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा एक्चुअल गिरावट यहाँ पे कितने, वही है 1195। यहाँ पे 5 डेज पे चले जाते हैं, गिरावट एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखी है जो वो डाउन ट्रेंड है। यहीं पे अगर बात करें 6 मंथ पे देख सकते हैं इस स्टेज पे आके बहुत कंसोलिडेट करते हुए दिखी थी, इनफैक्ट ब्रेक होते हुए भी दिखी है। तो चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझेंगे। होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स इसमें भी देख सकते हैं किस तरीके से 65.54% अच्छी खासी होल्डिंग्स है, ठीक ही ठाक है, उतनी भी अच्छी मैं नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक होल्डिंग्स है। पर इनफैक्ट मैं हमेशा जिस तरीके से रेशियो बताता था उस हिसाब से अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी होल्डिंग्स है, पर इस शेयर के हिसाब से मैं उतना नहीं बोलूंगा क्योंकि इस शेयर में लगातार एक अच्छी होल्डिंग्स बनते हुए दिख रही है। आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर्स की पूरी मोनोपोली मार्केट है और मोनोपोली मार्केट होने का फायदा तो बहुत होता है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें होल्डिंग्स की तो पहले के हिसाब से मतलब ऑन एन एवरेज 40-40 का होल्डिंग्स क्रिएट करते हुए दिख रही है। यहीं पे अगर बात करें 67 और फिर 33, मतलब 67 बाइंग 33 सेल की बात हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स रेगुलर सेम है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पे कमी बनते हुए दिखी है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे कमी बनते हुए दिखी है पुराने टाइम से। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में तेजी बनते हुए दिखी है और अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखी है। आप थोड़ा सा चार्ट पैटर्न पे मूव कर लेते हैं, देख सकते हैं सर जिस तरीके से करंट सिचुएशन है, बहुत कोई बोलते हैं सर क्या इस रेंज को मतलब ब्रेक करते हुए दिखेगी, बहुत कोई इस चीज़ का डाउट है क्योंकि हर बार यहाँ पे आती है फिर ऊपर चली जाती है फिर यहाँ पे आ रही है फिर ऊपर गई थी अच्छी खासी और फिर यहाँ पे जाके फिर आ रही है। तो सब कोई पूछ रहे थे सर क्या इस रेंज को ब्रेक करते हुए दिखेगी, तो सर आपको दिख सकती है, कोई बड़ी डील नहीं है इस रेंज को ब्रेक करना, पर हाँ सपोर्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे अभी ये जो करेंट सपोर्ट पे है वो एक ऐसी सपोर्ट है जहाँ पे बहुत कम ही चांस रह सकता है कि मतलब आपको ब्रेक करते हुए दिखे, और ये बहुत ही मतलब क्या बोले बहुत ही मतलब चांस पूरा 50-50 का बन रहा है क्योंकि बहुत ही मतलब एक पिन पॉइंट पे है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 1190 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए दिख रही है। इनफैक्ट आज के दिन बात करें तो 1190 टच भी करते हुए दिख गई थी, तो अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है वो, और अगर उसको ब्रेक करते हुए दिखती है तो यहाँ पे एक और सीन क्रिएट होता है सपोर्ट का। तो 1157 अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए दिखती है तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड फॉलो कर लिया है और आपको अच्छा खासा डाउन जाते हुए ये शेयर दिख सकती है, पर चांसेस कम रहेगी। क्यों अब कम रह सकती है चांसेस, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस तरीके से हमेशा यहाँ पे ये जो सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट को बना के रखी है, अगर ये ब्रेक मतलब ब्रेक होती तभी दिक्कत की बात है, नहीं रह हो है तो चांसेस रह सकती है कि फिर से 1500 तक टच होते हुए दिखेगी। अब चांसेस कम क्यों रह सकती है उसके बाद, यहाँ पे अभी यहाँ पे अच्छे खासे बायर सब रहते हैं तो इसलिए चांसेस एक ये रीज़न हो सकती है कम होने का। और अभी जिस तरीके से मतलब अच्छे खासे इन्वेस्टिंग हो रहे हैं, इनफैक्ट आपको पता है मोनोपोली मार्केट है, तो मोनोपोली मार्केट का एक चीज़ तो फायदा होता है कि कहीं पे भी किसी को जाने की जरूरत नहीं, इन्हीं के पास सारा अथॉरिटी होता है, तो पूरी की पूरी मोनोपोली मार्केट है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनते हुए दिख सकता है। यहाँ पे याद रखिए जितना सपोर्ट वाला हो टारगेट तो आपको 1500 से भी प्लस का जाता है, पर यहाँ पे जो एक्चुअल सिस्टमैटिक टारगेट की बात करें तो 1280 को ब्रेक करते ब्रेकआउट दिखाती है तो अच्छी फ्लो देखने को मिल जाएगी। कुछ भी डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय बेल आइकन। थैंक यू।